साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शिवाज पर, फेसबुक पेज पर। तो भाइयों बारिश बता रखी कई दिन से है और बारिश भाइयों हो नहीं पा रही, मौसम भी खराब चल रहा। बाकी का भाइयों हमने अभी पानी नहीं दिया इसी चक्कर में कि कहीं तेज हवा के साथ में बारिश ना आ जा। तो कल परसों तो गन्ना पौधे में पानी भी कर दिया। और भाइयों ये खेत है सबसे पछेत्ता जो हमारा 0238 का है भाइयों, इसमें मैंने ट्रेंचर से ही उस दिन बारिश पड़ते भाई में मिट्टी चढ़ा दी थी और लागत भी इसमें भाइयों खेत में सबसे कम आई। और उसके बाद में भाइयों मिट्टी हल्की चढ़ी क्योंकि बारिश पड़ गई थी उस दिन। तो आज भाइयों इसकी जुताई कर रहे फिर से पावर वीडर के द्वारा। परला खेत जो है 14201 का, उसकी भी जुताई करी गई सुबह, उसकी जुताई करी। अब शाम के समय जो है इसकी जुताई चल रही खेत की। तो देख लो मिट्टी इसमें इस तरीके की चल रही। रेस दे ले थोड़ी सी, अपने आप चल रहा। तो भाइयों एक हमारे खेतों में जो है सबसे बड़ी समस्या भाइयों इसकी है ये जो बलूरी वाला घास है। और मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा पावर वीडर का, तो भाइयों ऐसा काम चल रहा। ये भाइयों BCS कंपनी का है, देख लो फूड में अपने आप चल रहा है। तो भाइयों एक बार जुताई हो जाएगी, अगर मौसम सही रहा तो इस पर हम मिट्टी चढ़ाऊंगे दोबारा से फिर, इसलिए जुताई कर रहे हैं इसकी एक बार, क्योंकि आपका जो है इसमें दोबारा से मिट्टी चढ़ानी है हमें पावर वीडर के द्वारा ही। तो इन गन्ना पौधे में सारे में सोच रहे हैं कि दोबारा से मिट्टी चढ़ा दी जाए, तो उसके लिए सबसे पहले जुताई की जरूरत पड़ेगी। और भाइयों हमने अपना आदमी भी ले लिया अब जल्दी, झारखंड से आया। और इन खेतों में जो है भाइयों नीचे से जो है बेल उतरवा रहे। हाँ राजू तड़े से ढंग में देखा करिए जड़ में, और जो कोई मोटा पेड्डा हो वो भी, मोटा पेड्डा कोई आ जाए वो भी काटिए। हाँ ये देख लो भाइयों इसमें बेल चढ़ रही बहुत जबरदस्त। पहले हम इसमें जो है नीचे नीचे बेलों को कटवा रहे, उसके बाद में भाइयों इसमें जब देखेंगे जूना लगवाना है क्या करेंगे। आदमी अब का जल्दी ले लिया हमने। भाइयों तेहरा 235 जो है गन्ना वैरायटी, बिल्कुल भी रोग नहीं है कुछ भी ना, तो हमारे गन्ना पौधे में। और सामने दो गूल है हमारी पेड्डी पौधों की, जब शुरू में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब देख लो बहुत बढ़िया चल रही और बिल्कुल बिना किसी कीटनाशक के, बिना किसी फंगीसाइड के खेत है सामने वाला आपका। यही प्रैक्टिकल इस खेत में कर रहे, ये देख लो कलर देख लो, ना तो इसमें पोका बोइंग है, ना टॉप बोरर है, ना कोई और बीमारी अलग। अब की बार में भाइयों जैसा पिछली बार बता रहे 1235 में ब्लैक स्मट कहीं नहीं देखने को मिल रहा कहीं पर भी, ये देख लो जी खेत। भाइयों सुबह के छकवार में मैं था नहीं हा, ये देखो 14201 में चलाया, बीच में जो वो तवो वाली हर उसे मिट्टी चढ़ा दी थी और जो बीच में डोली सी छोड़ रखी थी वो जोत दी हमने। और भाइयों अगर मिट्टी चढ़ाने वाली अटैचमेंट मिल गई या टाइम लग गया हमारा तो सारे गन्ना पौधे में चढ़ानी है हमें एक बार फिर से मिट्टी, कबर जुताई हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा बारिश की वजह से डिले कर रहे, बारिश बता रखी कई दिन की, ये इधर पानी भी टूट गया इसमें। तो भाइयों आज कई कार्य चल रहे, लास्ट की डोज हमारे गन्ने खेत में कोई समय लगी नहीं थी नीचे से जो मिट्टी चढ़ाने पे लगे, बाकी का स्प्रे करना था तो वो स्प्रे हो नहीं रहा बारिश की वजह से, हम रुक जा बस फिर।
और भाइयों इसमें साडा वीर का तो हमने स्प्रे कर दिया था 4G का और फंगस फाइटर का, बाकी 3 दिन हुए अभी स्प्रे करे, पूरे 10 से 12 दिन बाद वीडियो बनाऊंगे खेत की दोबारा से। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। इधर भाइयों ये अपना 4G, इसमें खरपतवार हो गई थी, अब इसमें भी कटाई चल गई। इसकी भी मैं दिखा दूँ, देखो पेड्डी भाइयों देखो कितनी बढ़िया फूट के चल रही, एक कक में से कितने कल्ले निकल रहे हैं। तो इसकी भी हम एक बार सारे को काट के बढ़िया तरीके से बीज की पट्टी जोत के और पानी दे देंगे, दोबारा से फूट के आ जाएगी। बाकी भाइयों ट्वेल चला दिया आज, दो खेत भर गए गन्ना पौधे के।